सो ये गाइस कैसे हो आप सब। उम्मीद करता बढ़िया होंगे। और भाई यहाँ पर से हम लोग का सुपर स्टार टॉप अप इवेंट आ चुका है, जहाँ पर से 9 मार्च से 21 मार्च तक चलने वाला है। और यहाँ पर से स्काइलर कैरेक्टर आपको 200 डायमंड टॉप में बिल्कुल फ्री मिलता है, और साथ ही साथ स्काइलर सुपर स्टार बंडल आपको 500 डायमंड टॉप में बिल्कुल फ्री मिलता है। तो भाई मेन बात आती है यहाँ पर से इस कैरेक्टर की एबिलिटी को लेकर, थी क्योंकि इस कैरेक्टर की एबिलिटी जो है डीजे एलोक एंड हम लोग का जो रोनाल्डो करेक्टर है दोनों के यहाँ पर से ब्रेक करने वाला, दोनों का जो रिकॉर्ड है बीट करने वाला है। और उसके अलावा इसमें बहुत सारा मतलब उस उन दोनों करेक्टर से ये अच्छा होगा या फिर ख़राब होगा, हम इस वीडियो में टेस्ट करके बताएंगे। और इसके साथ आपको गेम प्ले भी दिखाएंगे कि ये करेक्टर आपको किस हद तक यूजफुल है और किस हिसाब से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले बता दें मेरे भाई चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिएगा, हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो भाई सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर से करेक्टर वाले सेक्शन पर। और यहाँ पर से आने के बाद मेरे पास रोनाल्डो आ चुका हूँ ऑलरेडी, बट यहाँ पर मैं बाय कर चुका हूँ सुबह ही। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग इसे लेवल अप करके, लेवल अप करने के बाद पता चलेगा भाई कि यहाँ पर से मेरे पास लेवल कार्ड है या फिर नहीं है। तो सिंपली हम लोग क्लिक करते लेवल अप पे, तो यहाँ पर से लेवल 8 का जो कार्ड है मेरे पास नहीं है, लेवल ये लेवल 4 का है। तो सिंपल हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर से इसे। चलो भाई ये कंप्लीट हो गया लेवल 5 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट में मेरे को इसके लिए जो टोकन है वो चाहिए, तो मैं सिंपली इसे प्लस कर लेता हूँ। ओके कन्फर्म कर लेता हूँ फिर से प्लस। अब नहीं है क्या, ख़त्म हो गया मेरे दाइस लगता है। तो चलो कोई ना भाई, हम लोग यहाँ से नहीं ले सकते हैं अब। तो हम लोग टोटल यहाँ पर कैरेक्टर जो है 5 लेवल तक यहाँ पर से अनलॉक हो चुका है। अब इससे ज़्यादा अनलॉक तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके लिए डायमंड लगेगा, डायमंड भी नहीं यहाँ पर से मेरे को जो टोकन है वो चाहिए। यहाँ पर से मेरे को बाय करना पड़ेगा, मैं बाय नहीं करूँगा अभी, मेरे को ऐसे ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गेम प्ले करेंगे उधर से, इधर से कहीं से भी मिल जाएगा, तो जरूरत नहीं है। तो जितना भी लेवल तक 5 लेवल तक यहाँ पर से कम्प्लीट हुआ है, तो सिंपल हम लोग इसे चेक कर लेते हैं कि 5 लेवल पर इसका जो करियर ये है क्या है। एट मीटर्स, तो देखो भाई यहाँ पर से बताया जा रहा है कि 5 ग्लोबल डैमेज करेगा अगर आपके 88 मीटर के रेंज पे रहे। तो अगर आप मैं यहाँ पर से 6 लेवल तक कंप्लीट करने यानी कि 8 लेवल पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, तो वहाँ पर से जो मेरा ये है वो 100 मीटर तक करेगा। तो यहाँ पर से आपको मेन चीज़ आती है कि यहाँ पर मेरा जो 6 लेवल तक हुआ था ये सिर्फ सिर्फ 88 मीटर को यहाँ पर से ये ब्रेक कर पाएगा। 88 मीटर तक मेरा पास अगर ग्लोबल लगा हुआ तो वो उसे ब्रेक करेगा। और मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेता तो पूरा कंप्लीट में ये कितना कर लेता भाई, यहाँ पर से आपको टोटल जो है 100 मीटर तक यहाँ पर से एरिया कवर करता। तो यहाँ पर जितने भी हुआ वो काफ़ी है भाई। आप हम लोग चलते हैं यहाँ पर सीधा गेम के अंदर, गेम के अंदर जाने के बाद आप लोग को दिखाते हैं कि ये कैरेक्टर की एबिलिटी जो है किस तरीके से वर्क करता है, और ये रियली में रोनाल्डो का और यहाँ पर से जो हम लोग का डीजे एलोक है इसका जो एबिलिटी उसे ब्रेक कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ पर गेम के अंदर। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो ग्लोबल कितना तोड़ता है, क्योंकि यहाँ पर से बताया है कि 5 ग्लोबल को ये डैमेज करेगा। तो अब देखते हैं 5 ग्लोबल लगता है, लगने के बाद हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पर से। तो यहाँ पर से ऑलरेडी ग्लोबल लगा हुआ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर 2-3 ग्लोबल मैं खुद डाल लेता हूँ यहाँ पर से, तब अच्छा हो, क्योंकि 3 ही ग्लोबल डाल सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर से ग्लोबल डालता हूँ 1 और दूसरा 2 और तीसरा यहाँ पर से 3। मैंने यहाँ पर 3 ग्लोबल डाला क्योंकि यहाँ पर से डायरेक्शन के हिसाब से काम करेगा, फिर किस हिसाब से करेगा पता नहीं। तो हम लोग यहाँ पर से ट्राई करते, सबसे पहले ब्रेक करेंगे इसे, ठीक है। तो देखते हैं कितना टूटता है भाई। तो भाई 2 ग्लोबल यहाँ पर से क्रैक हो चुका है, और यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं मेरे 1 ग्लोबल अभी बचा हुआ है, बट उसने बताया था 5 ग्लोबल को डैमेज करेगा। तो भाई ये ग्लोबल तो जरा से भी डैमेज नहीं हुआ, थोड़ा सा रत्ती भर के भी यहाँ पर से डैमेज नहीं हुआ। 100 मीटर के अंदर, 88 मीटर के अंदर बताया था, तो यहाँ पर से 88 मीटर तो मीटर से बहुत ही कम होगा, बट यहाँ पर से थोड़ा सा डैमेज मतलब थोड़ा सा भी डैमेज नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ 2 ग्लोबल को यहाँ पर से तोड़ पाए। अब हम लोग चले चेक करेंगे इसका दूसरी एबिलिटी, क्योंकि इसमें एक नहीं 2 इसमें एबिलिटी है, एक यहाँ पर से HP का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरा हेल्थ जो है बिल्कुल यहाँ पर से माइनस हो गया। अब हम लोग ग्लोबल डालेंगे और देखते हैं मेरा हेल्थ बढ़ता भी या फिर नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर देखो भाई मेरा यहाँ पर से हेल्थ जो है बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब देख पर नीचे यहाँ पर से मेरा हेल्थ जो है पूरा यहाँ पर से बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो अब फिर से हम लोग क्लिक करते, देखो 68 है, फिर से आप देखते कितना बढ़ता है भाई, 68 था तो भाई 106 यहाँ पर से हुआ, यानी कि आप लगभग अराउंड 38 HP ने टोटल आपको, जो अगर आप मैक्स लेवल कर लेते हैं फुल 8 लेवल तक का, तो आपका एक ग्लोबल डालने से आपका HP जो 40 प्लस होगा। तो एक हिसाब से देखा जाए भाई तो यहाँ पर से एक इसको आलोक को तो पीछे छोड़ दिया भाई, क्यों, क्योंकि आलोक का जो चार्ज होता है, आलोक तो इस समय अब कुछ नहीं रहा भाई, बिल्कुल कुछ नहीं रहा। आलोक थोड़ा सा मूवमेंट देता है ये मैं मानता हूँ,
कि आलोक जो है ना आपको थोड़ा सा मूवमेंट देता है, बट ये कैरेक्टर सामने आलोक कुछ नहीं है, आलोक इसका जो है ना सामने मतलब बिल्कुल फीका पड़ गया। क्यों? क्योंकि आलोक का जो एबिलिटी होता है वो अगर आप एक बार यूज कर लेते हो ना भाई, तो दोबारा यूज करने के लिए आपको टाइमिंग लेगा, टाइमिंग के बाद ही आप यहाँ पर आलोक की एबिलिटी यूज कर सकते हैं। और उसका एचपी जो कुछ लिमिटेड है, बट इसमें एचपी लिमिटेड नहीं, इसमें आप अनलिमिटेड एचपी ले सकते हैं, जितना ग्लोबल आप डालेंगे उस हिसाब से आपको 40-40 एचपी आपको यहाँ पर से मिलता रहेगा। और इसमें कोई भी टाइमिंग नहीं है कि आपको 40 सेकंड बाद एचपी बढ़ेगा, फिर 50 सेकंड बाद एचपी बढ़ेगा, 30 सेकंड बाद एचपी बढ़ेगा, ऐसा इसमें कुछ भी सीन नहीं। सिंपली आप यहाँ पर से ग्लोबल डालते जाओ और आपका एचपी यहाँ पर से होता जाएगा। तो फर्स्ट आलोक यहाँ पर से ब्रेक, आलोक का खेल खत्म। स्काइलर के सामने यहाँ पर से आलोक का कुछ भी एबिलिटी नहीं है या काम करने लायक नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात आते हैं यहाँ पर से रोनाल्डो का। तो रोनाल्डो की एबिलिटी अगर बात करें तो रोनाल्डो की तो एबिलिटी का बात ही अलग है भाई, क्योंकि उसका बराबर मतलब एबिलिटी किसी में नहीं है, क्योंकि उसमें आपको सुरक्षा कवच देता है। बट इसकी बात करें तो यहाँ पर से ये आपको ग्लोबल को ब्रेक करेगा। अब आप डिसाइड कर लो भाई कि आप यहाँ पर से रोनाल्डो यूज करोगे या फिर यहाँ पर से स्कालर यूज करोगे, क्योंकि स्कालर में आपको प्रोटेक्शन नहीं प्रोटेक्ट नहीं करेगा, आप सिंपली ग्लोबल तोड़ सकते हो। हाँ, अगर आप आलोक यूज करते हो, अगर आप आलोक यूजर्स हो, तो आलोक छोड़ के आप यहाँ पर से ये जो स्कालर करेक्टर है इसे यूज कर सकते हो। और हाँ भाई, ध्यान पर रखना कि आप ग्लोबल तभी ब्रेक कर सकते हो जब आपके आमने सामने ग्लोबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका लेफ्ट राइट आगे पीछे ग्लोबल लगा हुआ, आपने यहाँ पर से एक बार क्लिक किया आपका 2-3 ग्लोबल एक साथ पट से टूट गया, ऐसा नहीं। सिंपली आपके सामने इन फ्रंट, अगर आपके सामने हो तभी आपके ग्लोबल टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। तो कैरेक्टर तो मेरे को ठीक ठाक लगा भाई, बहुत ही अच्छा लगा, बट रोनाल्डो कैरेक्टर की एबिलिटी की बात कुछ अलग है। बट आलोक इसके सामने कुछ नहीं है, आलोक का एबिलिटी बिल्कुल इस सामने अब जो है फीका पड़ गया, क्योंकि यहां पर से उसमें लिमिटेड है और इसमें अनलिमिटेड है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।